अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ये कुछ गाजर घर में पड़ी हुई थी, हम इसी का हलवा बनाएंगे। इसमें हम ना दूध पाउडर यूज़ करेंगे, मिल्क पाउडर, ना ही मावा यूज़ करेंगे। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। हमने एक किलो ये गाजर, तकरीबन एक किलो से थोड़ा सा कम है, हमने इसे इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया है। ये देखिए, हमने इसे इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया है। इसे हमें किसना नहीं है, इस तरह मोटा मोटा कट करना है। इसमें हम दो इलायची इस तरह फोड़ कर इसमें डाल देंगे। इसमें हम एक कप दूध, ऐड करेंगे, बस इतना ही। इसे हम मिक्स करके दो सीटी, कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे दो सीटी पका लेंगे। हमने दूध ऐड कर दिया है, अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसका कुकर का लिंक लगा देंगे। ये देखिए, हमने जो कुकर में गलाया था, हमारी गाजर बिल्कुल गल चुकी है। हमारी गाजर देखो बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इसे एक पैन में निकाल कर अच्छी तरह से इसे मैशर से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मैश करके इसे पकाएंगे। ये देखिए, हम अच्छी तरह इसे मैश करेंगे इस तरह से इसे। देखिए कितने आराम से ये मैश हो रहा है। देखिए, इसे हमें इस तरह अच्छी तरह से इसे मैश करना है। कि देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया है। सारी गाजर को हमने, ये पूरी तरह मैश हो गई है, बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई है। देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप सोचेंगे मिल्क पाउडर भी नहीं, मावा भी नहीं, तो ये कैसे मज़ेदार मावेदार बनेगा। हम आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हम बची हुई चीज़ों से गाजर का हलवा बना रहे। गाजर भी हमारे घर में पड़ी हुई थी और कुछ मिठाइयाँ, ये देखिए, ये कुछ मिठाइयाँ घर में पड़ी थी। ये सूरत से आई हुई मिठाइयाँ, ये बहुत मीठा था, इसके लिए कोई इसे खा नहीं पाया। इसके लिए हमने सोचा कि मिठाइयाँ पड़ी है, इसे वेस्ट नहीं करेंगे। गाजर भी घर में रखी हुई थी, मिठाई भी घर में रखी थी मावे वाली। हम इन दोनों को मिलाकर गाजर का हलवा बना देंगे। इसके लिए हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हलवा बना लिया। आप भी इस तरह कोई भी चीज़ घर में बच जाए उसे वेस्ट ना कीजिए, फेंकिएगा नहीं। जो भी रहेगा उसे मिक्स मिलाकर कोई भी डिश बना लीजिए। आप एक बार बना कर देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। हमने इसमें घी भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि हमारी मिठाई में घी ऑलरेडी बहुत है, और हमारी मिठाई भी, हमने शक्कर भी अभी तक इसमें मिक्स नहीं किया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शक्कर भी मीठ बहुत है, यानी मिठाई में मीठा भी बहुत है। इसके लिए हमने इसमें शक्कर भी अभी तक ऐड नहीं किया है। हम थोड़ा सा चख कर देख के फिर इसमें शक्कर ऐड करेंगे। है ना मज़ेदार गाजर का हलवा। घर की चीज़ों से हमने मज़ेदार मावे वाला गाजर का हलवा बनाए। आप भी बनाइए इस तरह से, ट्राई कीजिएगा। आगे भी मैं आपके साथ ऐसी डिशें ज़रूर शेयर करूँगी। घर की वेस्ट चीज़ों से हम कैसे डिश बनाएं, कैसे रेसिपी बनाएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। ये रेसिपी बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर में बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे। जो मिठाई नहीं खाते वो इस तरह मीठा खा लेंगे। ये देखिए, हमारा हलवा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। मिठाइयों ने अपना घी छोड़ दिया है, इसमें हमने ज़रा भी घी नहीं डाला है। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बादाम, इस तरह हमने बारीक काट कर बादाम ऐड कर देंगे। और हमें थोड़ी सी मिठास कम लग रही थी, इसके लिए हमने दो टेबलस्पून शक्कर को इलायची मिलाकर इस तरह पीस लिया है मिक्सी के जार में। दो टेबलस्पून शक्कर, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए, बहुत टेस्टी बनता है इसे हलवा। ना हमें बाज़ार जाना पड़ा, ना हमें कुछ खरीद के लाना पड़ा। मिठाइयाँ बची थी, गाजर पड़े थे, हमने उसी का मीठा बना लिया। अभी मज़ेदार गाजर का हलवा बना लिया हमने। मेरी बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, मिठाइयाँ नहीं पसंद है, लेकिन गाजर का हलवा उसे बहुत पसंद है।
इसमें हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक कतरा हमने वेनिला एसेंस इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। अब कोई भी एसेंस मिला सकते हैं, रोज वाटर मिला सकते हैं, केवड़ा वाटर मिला सकते हैं। हमने इसमें आइसक्रीम वेनिला एसेंस हमने इसमें ऐड किया है। इसकी खुशबू से ही बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, ये बिल्कुल आइसक्रीम फ्लेवर लगता है। देखिए बिना घी के सिर्फ मिठाइयों से कैसे घी साइड में आ गया है, देखिए कैसा घी छोड़ दिया है मिठाइयों में। बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी कोई भी चीज़ घर में बच जाए उसे वेस्ट ना कीजिए, उसकी कोई भी ऐसी डिश बना लीजिए। मज़ेदार हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, बची हुई चीज़ों से हमने बनाई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।